तुमसे संदेश है। क्या संदेश है? शरीर से ऊपर उठना है, मन का उपयोग क्या करना है, कब तक खोए रहोगे स्वाद में? मैं तुम्हें परम स्वाद की ओर ले जा रहा हूं। कब तक अटके रहोगे शरीर में? शरीर सीमित है और मुझे तुम्हें इसी जीवन में परम सीमाओं से पार ले जाना है। तुम शरीर में अटको मत, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा में स्वयं हूं, उसकी शक्ति में स्वयं हूं, मैं ऊर्ध्वगामी शक्ति हूं, तुम मुझे पहचानना शुरू करो। मैं गुरुत्वाकर्षण से ऊपर की ओर ले जाने की शक्ति हूं। मैं क्या चाहता हूं? स्वस्थ शरीर में मेरा सूत्र समझने का प्रयत्न करो। स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। मैं नहीं, मेरा पूरा हो गया, फिर भी मैं तुम्हारा हूं। मैं संसार भी हूं और संसार से बहुत कुछ ऊपर। मैं स्वयं इंसान हूं और मैं स्वयं में परमात्मा हूं। मुझे पहचानना शुरू करो कि मुझे हर एक इंसान ऐसा चाहिए, हर एक इंसान जो स्वयं में तृप्त हो। मैं क्या चाहता हूं इंसान के पास? तुम स्वयं में तृप्त बनना सीखो। कहां दौड़ रहे हैं अमीर? मेरी भावना क्या है कि परम अमीर बने। अमीर है वो परम अमीर बने। आगे जाओ, आगे जाओ, अभी कुछ भी नहीं, तुम्हारी अमीरी कुछ भी नहीं। और ये दोनों एक साथ की घटना है, अलग नहीं। गरीब को अमीर की ओर ले जाना है, अमीर को परम अमीर की ओर ले जाना है। बियॉन्ड एनलाइटनमेंट का मार्गदर्शन समझो। स्वस्थ शरीर में जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, मैं हर इंसान को प्रश्न पूछता हूं, किस तरह मरना चाहते हो तुम? क्या समझ है तुम्हारे पास मरने की? चलो, मैं महामृत्यु समझाने आया हूं इस पृथ्वी पर। तुम्हारे पास मृत्यु की क्या समझ है? कुछ भी नहीं। मैं देता और मजा भी है, मैं महाशिक्षक हूं। शिक्षण मेरा, मैंने दूध से पिया है, मेरी मां शिक्षक थी, अंदर से कलाकार भी थी, महाकलाकार। पूरे गांव ने देखा कि नवरात्रि में वो पूरी रात नाचती थी, पूरी रात। उसे सर्व कलाओं से बहुत प्रेम था। वैजंती माला हेमा मालिनी उसकी, उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो नृत्य की बहुत शौकीन थी। मैं जो था ये कहता था कि उसे, वो ऐसा कहती थी, मैं कहता था कृष्ण शंकर और मैं, फर्स्ट नंबर तो किसे देगी? पहले वो कहते थे कि अब तो भगवान है, तू तो मानस है। बच्चा था तब से पूछता था, बच्चा था। ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का संवाद है, हम रोज खेलते थे, रोज। और लास्ट तक एक समय आया, मुझे दक्षिण भारत जाना था। मैं चक्का के साथ चला गया, चक्का चक्की के साथ मैं दक्षिण भारत चला गया। 6 महीने तक आया ही नहीं। सब रोए घर में कि तू कब आ रहा है, कब? मेरी माँ रोए, बुलाओ हिमांशु को, वो मेरे बिना रह ही न सके। उसका मुझसे इतना प्रेम कि कब आएगा हिमांशु। वो अभी भी कैसेट मौजूद है। मैं आया, वो उतरी। मेरा पहला संवाद मैंने उसे अपने गले से लगाया। बच्चे की तरह उसका शरीर था। वो रोए जा रही है उसकी आंखों में। मैंने कहा, बोलो कृष्ण शंकर और मैं, मां क्या होती है? देखो मां क्या होती है। और हर एक स्त्री के भीतर मां है। इसलिए मैं पुरुषों को कहता हूं, तुम लॉजिक से मत काम लो, तुम स्त्रियों को संभालो, संभालो। बाकी स्त्री मां सकती है, वो तुम्हें ऐसे उठा लेगी। मैं स्त्रियों के पास से बहुत काम लेना चाहता हूं, बहुत। तैयार रहे, हर एक मां है, हर एक स्त्री मां है। मुझे मां बहुत मजबूत चाहिए, बहुत मजबूत। तुम ऐसा समझो, चाहे वो तुम्हारा पुरुष क्यों ना हो, वो तुम्हारे खोड़े में ही है।
उसका एक विकास होगा कि वो अपनी स्त्री को मां पाएगा, अपनी स्त्री में मां पाएगा, पुरुष कि सच में मां है, ये मां है, हर एक स्त्री में मां है, मां की शक्ति हूं मैं, स्वयं मां हूं, महामां जिसे तुम अंबा मां कहते हो वो क्या है, सेरा वाली मां कहते हो क्या है, प्रेरणा है कि जीवन को इस तरह से जीना है शेर की तरह, जिस तरह से शेर घूमता है इस तरह से जीवन जीना है, ये मैं हर एक इंसान से चाहता हूं। और शेर बन के अब कोई हरण को खाना नहीं है, तुम इंसान हो, इंसान कब बनोगे, तुम इंसान तो बन के देखो, मैं तुम्हें अल्लाह बना देता हूं कि नहीं, मैं तुम्हें परमात्मा बना देता हूं कि नहीं, और मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, तुम स्वयं हो, स्वयं मैं क्या बनाऊंगा, मैं तो उससे ऊपर हूं, मुझे उससे ऊपर काम लेना है, चलो तुम निसरणी चढ़ो, कितनी ताकत है तुम। मेरी महत्वाकांक्षा है फकीरा, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम, हर एक इंसान के लिए मेरी ये भावना है।